जब मैं दोपहर को अपने ऑफिस में बैठकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा था तो और परमेश्वर से कह रहा था कि परमेश्वर आपके लोगों से मैं क्या बात करूं, तो परमेश्वर मुझको कह रहा था कि अब मेरे लोगों को ग्रेस के बारे में बताना, अनुग्रह के बारे में बताना, रिडेम्पशन के बारे में बताना। जब रिडेम्पशन का जो हिंद अंग्रेजी शब्द है, जब मैं उसको हिंदी में पढ़ रहा था तो वहाँ पर डिक्शनरी में लिखा है पाप मुक्ति। एक्चुअली ये पाप मुक्ति नहीं है, रिडेम्पशन का मतलब है कि जो खाई में, जो गड्ढे में आप गिर गए थे, उस गड्ढे से परमेश्वर आपको निकालने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। एक बड़ी खास बात मेरे दिमाग में आई और मैं वचन के अंदर उसको ढूंढ रहा था। जब हम लूका रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय और उसके 14 से लेकर 21 तक पढ़ते हैं, अगर आप नोट्स ले रहे हैं तो इसको नोट्स ले लीजिएगा, ये बस मेरे कहने का शीर्षक भर है। वहाँ पर हम ऐसा देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह अपनी सेवकाई के जो पहले दौर में हैं, उन्होंने अपने 40 दिन का रोज़ा पूरा किया है, अपने लिए 12 चेलों को इकट्ठा किया है और उसके बाद वो नाजरत को लौटते हैं, अपने होम टाउन में, अपने घर में लौटते हैं। और जब वो घर में लौटते हैं तो उस दिन सबत होता है और सबत के दिन वो एक मंदिर के अंदर जाते हैं, एक यहूदी मंदिर के अंदर जाते हैं। वहाँ पर यशाया नबी की किताब रखी हुई है, उस किताब को वो उठाते हैं और वो पढ़ते हैं और उसमें यूँ कहते हैं कि यहोवा का आत्मा मुझ पर है और मुझको इसीलिए भेजा गया है कि मैं बंदियों को सुसमाचार का प्रचार करूं। ये मेरे को कोई पढ़ दीजिएगा, अगर लूका 4 पे आप खोल लिए, मैं पढ़ देता हूँ, लाइए, ताकि जितने लोग हमारे ऑनलाइन हैं उनको भी समझ में आ जाए। मैं जानता हूँ कुछ लोग ड्राइव करते हुए देख रहे हैं इस समय, तो मैं नहीं चाहूँगा कि आप ड्राइव करते करते बाइबलें भी खोलें, और मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। 16वीं आयत में लिखा है, फिर वह नासरत में आया जहाँ वह पला बड़ा था और अपनी आदत के अनुसार सबत के दिन वह यहूदी धर्म सभागार में गया। जब वह पाठ पढ़ने खड़ा हुआ तो यशाया नबी की पुस्तक उसे दी गई, उसने उठाया नहीं, उसको एक पुस्तक दी गई, ये ट्रांसलेशन ये कहता है। और कई ट्रांसलेशनों में उसने कहा कि उसने यशाया की नबी की पुस्तक उठाई। उसने जब पुस्तक खोली तो वह स्थान मिला जहाँ लिखा था कि प्रभु का आत्मा मुझ में समाया है, उसने मेरा अभिषेक किया है ताकि मैं दीनों को सुसमाचार सुनाऊं, और उसने मुझे बंधियों को घोषित करने के लिए वे मुक्त हैं, अंधों को यह संदेश सुनाने के लिए फिर दृष्टि पाएंगे, दलितों को छुटकारा दिलाने के लिए और प्रभु का अनुग्रह का समय बताने भेजा है। ये मेरे एक ट्रांसलेशन आज जो मैं यूज़ कर रहा हूँ कुछ और है। फिर उसने पुस्तक बंद करके सेवकों को वापस दे दी और वह नीचे बैठ गया। प्रार्थना सभा में वे सब लोगों की आंखें उससे निहार रही थीं। तब उसने उनसे कहना आरंभ किया, आज तुम्हारे सुनते हुए शास्त्र का यह वचन पूरा हुआ। अगर आप इस वाक्यात को बहुत ध्यान से देखेंगे तो प्रभु यीशु मसीह ने कोई गुनाह नहीं किया। उन्होंने जो यशाया नबी की पुस्तक जो वो पीढ़ियों दर पीढ़ी पढ़ते आ रहे थे वही पढ़ा उन्होंने, और पढ़ के जो वहाँ का पादरी था उसको वो वापस लौटा दी और पढ़ के वो बैठ गए। और जब वो बैठ गए तो सब लोग उन्हें घूरने लगे, और घूरते जब सब लोग घूर रहे थे तो वो शायद आप कभी घूरे गए, कभी आपने किसी ने आपको घूरा होगा। जब आप घूरे जाते हैं तो थोड़ा सा आदमी अनकंफर्टेबल हो जाता है, मेरे को लगता है शायद ऐसा कुछ वहाँ पर हो रहा होगा। और यीशु मसीह ने कहा तुम मुझे घूर क्यों रहे हो, आज ये वचन पूरा हुआ है। और इतना कहना था, जब आप इस कहानी को आगे पढ़ते हैं तो लोगों को गुस्सा आ गया कि ये कैसे हो सकता है, ये तो यूसुफ का बेटा है, ये तो वो बढ़ई है जो हमारे लिए टेबल कुर्सियां बनाता है, ये तो क्या इसकी बहनों के साथ हमारे शादियां नहीं हुई, क्या इसके भाई हमारे साथ खेले नहीं है, क्या वो कल हमारे साथ स्कूल नहीं गया। और उनकी वो बात समझ में नहीं आई, और एक आम आदमी जिसको कल तक वो अपना दोस्त समझ रहे थे कैसे वो प्रभु बन सकता है, ये उनकी समझ में नहीं आई। और वो उसको धक्का देने लगे,
इसके अंदर यूं लिखा है कि उसको धक्का देते देते उसको मारने की सोचने लगे। सिर्फ इतना कहना था कि मैं वो नहीं हूं जिसको तुम समझ रहे हो, मैं कोई और हूं, मेरे पास वो सामर्थ्य है कि मैं बंदियों को छुटकारा दे सकता हूं। अगर आप कैद में बैठे हैं, आप फर्ज कीजिए आप गुरदासपुर जेल में गए, वहां पर 100 कैदी हैं और एक कैदी वहां पर आता है और कहता है कि मैं तुम सबको निकाल सकता हूं, तो क्या दूसरे कैदी उसको मार देंगे? वो उसको मारेंगे नहीं, कहेंगे साहब जल्दी निकालो। मगर जब हम ये जो झूठे धर्म की आत्मा के नीचे आ जाते हैं, झूठे धर्म की आत्मा हमारे को परमेश्वर के साथ रिलेशनशिप में आने नहीं देती। आप बहुत ध्यान से जब आप बाइबल को पढ़ते हैं तो बाइबल में यूं लिखा गया है कि आदमी को परमेश्वर ने अपनी सूरत और सीरत में बनाया, जैसा खुदा है वैसे ही हम भी हैं। इसीलिए यीशु मसीह को प्रभुओं का प्रभु कहा जाता है, राजाओं का राजा। तो राजा कौन है? हम हैं। प्रभु कौन है? हम हैं। जैसा परमेश्वर करता है वैसा हम भी कर सकते हैं। तो वो जो स्टैंडर्ड था हमारा कि हम परमेश्वर के साथ थे, परमेश्वर, बाइबल यूं बताता है कि दिन के ठंडे समय परमेश्वर आदम से मिलने आया करता था। आदम और उसके बीच में एक फेलोशिप थी, एक रिलेशनशिप था, एक दोस्ती थी। मगर कहीं ना कहीं ऐसा हुआ, कहानी आप सभी को मालूम है कि अदन के बाग में सांप ने हव्वा को बहकाया और आदम से पाप हुआ और गिर गया। मालूम है उससे सबसे महंगी चीज क्या छूटी? उससे उसका रिश्ता छूट गया। परमेश्वर भी खुश नहीं था, आदम भी खुश नहीं था। पाप पाप को पैदा करता है। आदम ने एक गलती की और उसके बाद गलतियों पर गलती, गलतियों पर गलती, गलतियों पर गलती होती गई। कई बार हम सोचते हैं कि हम अपने गुनाहों को छुपा के रख लेंगे और हमारे गुनाह हमारी जिंदगी में कोई असर नहीं लाएंगे। शायद आदम, जो हमारा हम में से सबसे पहलौटा था, वो भी यही सोच रहा था कि हमारे गुनाह शायद किसी को पता ना चले। मगर आपको मैं एक बात बता देता हूं कि गुनाह और चीजों को पैदा करते हैं। वो गुनाह चुपचाप नहीं बैठते, वो चीजों को पैदा करते हैं। अगर आदम ने परमेश्वर के वचन की बदखलाफी की थी, उसके बच्चे एक दूसरे को मारने लग गए। कई बार लोग इस बात को समझते नहीं है, उनको लगता है छोटी सी बात ही तो है, छोटा सा ही तो हम वचन तोड़ रहे हैं, छोटी सी बात में तो हम ऐसा कर रहे हैं। मगर वो छोटी छोटी बातें कब बड़ी हो जाती हैं, कब प्रोपोर्शन उनका बहुत बड़ा हो जाता है, हमें पता नहीं चलता। और ये पाप हमारे और परमेश्वर के बीच में दीवार पैदा कर देते हैं। पुराने नियम में परमेश्वर को शेम बोला जाता था। शेम का मतलब है खुदा या परमात्मा। उसके नाम को भी लेते नहीं थे लोग। अगर आप पुराने नियम को जो इब्रानी में लिखी हुई है अगर आप देखेंगे तो यहोवा बहुत कम जगह पर, ये तो हिंदी की बाइबल में लिखा हुआ है, मगर इब्रानी में शेम बोल के छोड़ दिया जाता था। उसका नाम पूरा लेना भी वो लोग कतराते थे। ऐसा मानना है कि अगर कोई आदमी परमेश्वर को, पाप वाला आदमी परमेश्वर को आमने सामने देख लेगा, इब्रानी लोग ऐसा मानते हैं, उसकी रूह परमेश्वर से, उसके शरीर से अलग हो जाएगी, इतना पवित्र है परमेश्वर। और जब मैं इसको अदन की वाटिका में समझता हूं और अदन की वाटिका से मिला के देखता हूं, आदम परमेश्वर के साथ चलता फिरता था, उससे बातें करता था, उसको छू सकता था, उसके साथ उठ सकता था, बैठ सकता था। मगर उसकी जिंदगी में कुछ चीजें ऐसी आईं, ऐसी गलतियां आईं जिसकी वजह से ये रिलेशनशिप टूट गया। जिसको कल तक वो छू सकता था, अपना कह सकता था, वही चीज उससे पास से हटा ली गई। और हालात ऐसे हो गए कि लोगों को यहोवा का नाम लेना भी मुश्किल हो गया। देखिए, शुरुआत एक छोटी सी बात से हुई और कहां आ गया। मगर मैं ये जानता हूं कि परमेश्वर अदन की वाटिका में से आदम को निकाल के खुश नहीं था। हम में से बहुत सारे लोग परमेश्वर को ऐसा समझते हैं कि वो दंड देने वाला परमेश्वर है और मारने वाला परमेश्वर है।
आदम ने फल खाया ज़रूर है और इसका बीज हमें हमारे बच्चों के अंदर नज़र आता है। एक छोटा सा बच्चा है, फर्ज कर लीजिए एलिशा है, एलिशा को हमने बोला है बिजली की तारों से दूर रहो। क्यों दूर रहो? क्योंकि आप बिजली की तार को हाथ लगाओगे आपको झटका पड़ेगा, हादसा हो सकता। उसने हमारी ये बात माननी ही नहीं है। उसको जितना जोर से चीखोगे, जितना जोर से बोलोगे, उसने जाके उंगली डालना ही डालना। ये क्या दिखाता है? वही जो आदन की वाटिका में हो रहा था, हमारे बच्चे भी उसी चीज के साथ पैदा होते हैं। हम भी, हम में से कोई अलग नहीं है। हमारे को जो मना किया जाएगा हम जानबूझ के वही चीजों को करते हैं, है कि नहीं? देखे तो सही होता क्या है। कुछ लोगों को मैंने मना किया कि झूठी आराधनाओं में मत जाना, मगर वो सुनने को राजी नहीं। वो गलत जगहों पर जाते हैं, अपने ऊपर मुसीबत लेते हैं। संडे को यहां खड़े होते हैं, मेरे इत्थे पीड़ है, मेरे उत्थे पीड़ है, मेरी पीड़ कड्डो। मैं किधरों कड्डा? गए क्यों? क्या कलाम आपके पास नहीं है? क्या टीचिंग आपके पास नहीं है? जब आपको मालूम है बुत परस्ती गलत है और आप उसमें फंसते जा रहे हैं, तो कैसे आप आशीष पा सकते हैं? ये आदम का बीज है जो हमारे शरीर के अंदर काम कर रहा होता है। मगर इसके अंदर एक खुशखबरी भी है। खुशखबरी मैं आपको सुनाऊंगा। आदम परमेश्वर से दूर होकर खुश नहीं था, उसी प्रकार से परमेश्वर भी आदम को दूर कर खुश नहीं था। अगर वो आदम को दूर कर खुश होता तो वो उससे कभी पलट के बातें नहीं करता, कभी उसको उद्धार का मार्ग नहीं दिखाता। अगर आप बाइबल को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, आदम की और भी संतानें हुई। आदम का एक बेटा था इनोक, इनोक को परमेश्वर अपने साथ ले गया। अगर कोई स्वर्ग में शरीर के साथ पहुंच पाया है तो वो इनोक है, जो सबसे पहला आदमी है। जो दूसरा आदमी है शरीर के साथ स्वर्ग में गया है वो एलिया है। जो तीसरा आदमी है जो स्वर्ग में गया है वो प्रभु यीशु मसीह खुद है। इस शरीर के साथ, इस मिट्टी के बदन के साथ परमेश्वर बारी 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 आदमी को रिडीम करना चाहता था। रिडीम का मतलब है कि उसको छुड़ाना चाहता था। और एक्चुअली जब आप दाऊद की कहानी पढ़ते हैं, पाप दो किस्म के होते हैं। एक है गलती। गलती का मतलब है, क्या बोल सकते हैं, आप जा रहे थे रास्ते में से और आपको एक बटुआ मिल गया, आपने लेफ्ट राइट देखा और आपने बटुआ उठा लिया। बटुए में कुछ पैसे थे और आपको ज़रूरत थी, आपने वो पैसे रख लिए। आपने कभी सोचा भी नहीं बटुआ किसका है, कौन है, किसके पैसे हैं। शायद दिहाड़ी लगा के लाया होगा, उसकी किस्त टूट गई, आपको एक बटुआ मिला, आपने रख लिया, आपने हालेलुया धन्यवाद किया, वो गलती है। फिर आपको थोड़े दिनों के बाद पता चल गया कि बटुआ एक बहन का है, उस बहन का पति भी नहीं है और उनके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं। अब आप क्या करेंगे? आप तो मसीह हैं, बटुआ भी आपने ले लिया और बटुए से आपने अपने लिए एक सूट चमकदार खरीद लिया और वो सूट पहन के आप लचक मचक के पूरे घर गांव में घूम रहे हैं, पूरे पिंड में, पूरे शहर में घूम रहे हैं। मगर अब अचानक से पता चल गया वो 5,000 रुपये जो उस दिन वहां पे मिले थे मुझे, उस फलानी बहन का है, अब हम क्या करें? उसी दिन आपने सूट खरीद लिया, अब किसी को पता ना चल जाए। तो हम अपने गुनाहों को ढांपने के लिए, मैं सुना भैन जी ताड़ा बड़ा नुकसान हो गया, ये ताड़े घर च ये पैसे गुम गए, चलो कोई नहीं जी, कोई नहीं, रब तानू वापस करेगा। अपने घर से एक बोरी गेहूं का उठा के उनके रख दिया। बहन जी ने सोचा, हाय रब्बा कितनी अच्छी बहन है, आप भी खुश वो भी खुश। आप इसलिए खुश कि आपने थोड़ी सी भलाई कर दी, वो इसलिए खुश कि परमेश्वर मुझे धन्यवाद, परमेश्वर आपने लोगों को भेजा। चक्कर यही है,
धर्म हमें फॉर्मेलिटी करने पे मजबूर कर देता है, फॉर्मेलिटी के लिए। लोग चर्च आते हैं फॉर्मेलिटी के लिए, लोग सुबह उठ के दुआ करते हैं फॉर्मेलिटी के लिए, लोग बाइबल पढ़ते हैं फॉर्मेलिटी के लिए। ये केवल एक फॉर्मेलिटी रह गई है, वो रिलेशनशिप टूट गया है। दाऊद कहता है कि जो पाप है वो दो किस्म के हैं, एक जो पाप है और अंग्रेजी का जो शब्द है वो है ट्रांसग्रेशन। मैंने जो जानबूझ के षड्यंत्र रचे हैं, जो षड्यंत्र मैंने रचे हैं अपनी गुनाहों को छुपाने के लिए। दाऊद ने क्या किया, अपनी एक बॉडीगार्ड जो उसके साथ जंग में जाता था, उसकी बीवी के साथ उसने गलत संबंध बनाए, और जब बच्चीबा गर्भवती हुई तो उसने उसके पति को लड़ाई में एक ऐसी जगह पर खड़ा करवा दिया जहां उसका बचना मुश्किल था, और जानबूझ के उसको मरवा दिया। नथान दाऊद के पास पहुंचा और दाऊद से कहता, ऐसा ऐसा किया तूने? दाऊद चीखने लगा, रोने लगा, और परमेश्वर को ये दो बातें उसने एक भजन में कही कि मेरे पाप और मेरे षड्यंत्र आपके सामने हैं। पाप है जो आप मिस्टेक से करते हैं, जो बटुआ आपको मिल गया, आपने उठाया और अपने लिए सामान खरीद लिया, मगर षड्यंत्र वो है जो उस पाप को छुपाने के लिए होमवर्क आप करते हैं। जितना षड्यंत्र आप करते हैं उतना ही आप परमेश्वर के अनुग्रह से दूर हैं, क्योंकि षड्यंत्र आपको फॉर्मेलिटी करने पे मजबूर कर देता है। कई लोग आपको प्रेयर मीटिंग में दिखेंगे जिनका पवित्र आत्मा से कोसों दूर तक कोई लेना देना नहीं है, मगर हिलते वो सबसे ज्यादा है। एक गांव में मैं गया, और मैं उस गांव में, धारीवाल के अंदर ही है, तो उनके पास चर्च है। मैंने कहा यहां पे चर्च मीटिंग, चर्च में ताला क्यों है? कहता है फलां चर्च की फलां जो प्रधान है उन्होंने चर्च में ताला लगा दिया है। मैंने कहा चर्च किसका है, उसका है या गांव का है? चर्च तो गांव का है मगर उन्होंने ताला लगा दिया। मैंने कहा क्यों ताला लगा दिया है? अगर चर्च है तो वो सबके लिए खुलना चाहिए, सब लोग वहां दुआ बंदगी करने चाहिए, अगर कोई वहां गंदगी मचा रहा है तो मना करो। तो मैंने उनसे कहा कि हम यहां मीटिंग कर सकते हैं? कहते जैसे ही आप बोलोगे आप मीटिंग कर रहे आ रहे हो, वो मीटिंग कभी करेंगे नहीं। मैंने कहा क्यों, क्या हम किसी और खुदा की बात कर रहे हैं या हम कुछ ऐसा कर रहे हैं जो नहीं करना चाहिए? नहीं, कहते वो खाली अपने चर्च वालों को बुलाएंगे। मैंने कहा ठीक है, आप अपने चर्च से प्यार कर सकते हैं मगर दादागिरी करना ये सही नहीं है। आप अपने चर्च जहां आप जाते हैं उनसे प्यार करना आपका बनता है, क्योंकि वो आपके भाई बहन हैं, आपके माता पिता हैं, आपको देखभाल कर रहे हैं, उनसे प्यार करिए, मगर ये दादागिरी करना तो नहीं बनता। तो रिलीजन जो है आपकी आपकी गलतियों को सही बताने में मदद करता है। एक बार एक पास्टर जी मुझको मिल गए और वो यूं कहते हैं कि दशमांश तो नहीं देना चाहिए। पास्टर जी नहीं थे, मतलब कुछ लोगों के अंदर प्रचार का कीड़ा होता है, तो अचानक से एक दिन बोर हो जाते हैं चर्च में और कहते हैं हम प्रचार करेंगे, तो कोई सुने ना करे, सुने मगर हम करेंगे ज़रूर। तो वो भाई साहब को वाला थोड़ा सा प्रॉब्लम था, तो एक दिन वो मुझसे कहने लगे कि ये पुराना नियम तो ख़त्म हो गया, नया नियम है, और नए नियम में ऐसा ऐसा लिखा है कि पुराने नियम की कोई बातें नहीं है। मैंने कहा आप पुराने नियम में, नए नियम में एक आयत बता दीजिए कि कहाँ पे लिखा हुआ है प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि पुराना नियम ख़त्म हुआ है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा है पुराना नियम पूरा हुआ है, क्योंकि उसको मैंने पूरा किया है। नियम से नहीं, अब आत्मा से आराधना करनी है। अगर पुराने नियम में आप 10% देते थे तो नए नियम में अनुग्रह के नीचे 20% दो। कहता नहीं आयत बताओ, मैंने कहा तुम भी आयत बताओ। कहते 20% कहाँ देना है आयत बताओ। मैंने कहा आयत मैं नहीं बताऊंगा, पहले तुम आयत बताओ कि 10% कहाँ नहीं देना। उसके बाद वो भाई साहब चले गए, वो रुके नहीं, क्योंकि कुछ लोग, ये जो रिलीजियस स्पिरिट है ना जो नासरत में थी वो आज भी मौजूद है। कैसे कोई पापी पुत्र बन सकता है उनको पता ही नहीं।
हम में से जितने यहाँ बैठे हैं वो उस आदम के बीज के साथ बैठे हैं, हमको लाख मना किया जाए, हम बचपन से उस बिजली के सॉकेट में हाथ डालने के लिए तैयार हैं, मगर इन्हीं लोगों में से परमेश्वर ने अपने जन चुने हुए हैं। मैं और आप कोई अलग नहीं है, मैं और आप भी इस आदम के बीज के साथ पैदा हुए हैं, मगर खुशखबरी ये है कि परमेश्वर हमें छुड़ाना चाहता है। ऐसा समझ लीजिए जो रोमियो की पुस्तक है, अमरीकन्स उस समय का सबसे जो ताकतवर कौम थी वो रोमी थे, और इनका जो दबदबा था ये इज़राइल के ऊपर भी था। भविष्यवाणियों की भविष्यवक्ताओं की भविष्यवाणी पूरी हो रही थी कि दूसरे जाति वाले उनके ऊपर आकर रौब जमाएंगे, उनके ऊपर राज करेंगे। रोमन्स 3:21-28, और उनमें से परमेश्वर ने उन ओप्रेसर्स में से उन जो लोगों के ऊपर दबाव डालने आए थे, उन लोगों से भी परमेश्वर, उनकी जाति में से भी परमेश्वर ने कुछ लोगों को अपनी महिमा के लिए चुन लिया। अगर कर्नीलियस जो था वो एक रोमी व्यक्ति था, एक रोमी अफसर था जिसको पतरस ने बपतिस्मा दिया, वो पहला अन्य जाति था। और ऐसा है कि कोई अंग्रेज हमसे आकर कह रहा है कि हमें बपतिस्मा दो। आमेन, क्या क्या बात है। अगर आप इसको बहुत ध्यान से सुनेंगे तो शायद आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि परमेश्वर कैसे कैसे लोगों को चुनता है। एक सूबेदार आया और सूबेदार यीशु मसीह को यूं कहता है कि मेरा नौकर बीमार है, तू कह दे, मैं तुझे अपने घर में नहीं ला सकता क्योंकि मैं इस लायक नहीं हूं, तू बस कह दे और मेरा नौकर चंगा हो जाएगा। यीशु मसीह कहता है, मैंने ऐसा विश्वास पूरे इज़राइल में नहीं देखा। उसने अपने चेलों को ऐसा नहीं बोला कि तुम्हारा विश्वास अच्छा है, उसने बोला इस आदमी को देखो जो अन्य जाति है वो कितना विश्वास करता है। एक अन्य जाति की स्त्री आई यीशु मसीह के पास और वो यूं कहती है कि मेरी बेटी के ऊपर दुष्ट आत्मा है, तू कह दे। यीशु मसीह कहता, देखो इस औरत को। टेक्निकली यीशु मसीह कहता, मैं अपनी रोटी कुत्तों को नहीं दे सकता, टेक्निकली उसे कुत्ता बुला रहा था, मगर इतनी बेइज्जती झेलने के बाद भी वो औरत कहती है, तू कह दे मेरा बच्चा चंगा हो जाएगा। इन लोगों के बीच में से भी, जो ऐसा समझ लीजिए जब ब्रिटिशर्स यहां पर आए, जलियांवाला बाग किया, हमको मारा पीटा, हमारे लहू बहाया, उसके बाद परमेश्वर इन ब्रिटिशर्स में से भी कुछ लोगों को चुन रहा है अपनी महिमा के लिए। मैं इसलिए कह रहा हूं कि बहुत सारे सिख लोग परमेश्वर में विश्वास में आने वाले, जो हमारे बैरी हैं परमेश्वर उन्हीं में से निकालने जा रहा है। ये जो हो रहा है मैं उससे परेशान बिल्कुल नहीं हूं, मैं उससे बल्कि खुश हूं, क्योंकि परमेश्वर एक बेदारी लाने को जा रहा है जिसमें पग पहने हुए मेरे भाई बहन खुदावन की हुजूरी में आएंगे, हाथ उठा के हम्द और सना करने जा रहे हैं। ये इसी पंजाब की धरती पर होने जा रहा है। शैतान को पता नहीं है उसने कहां पंगा लिया है। आइए रोमियो 3:21-28 तक पढ़ेंगे। किंतु अब वास्तव में मनुष्य के लिए यह दर्शाया गया है कि परमेश्वर व्यवस्था के बिना ही उससे अपनी प्रति सही कैसे बनाता है। निश्चय ही व्यवस्था और नबियों ने इसकी साक्षी दी है। सभी विश्वासियों के लिए यीशु मसीह में विश्वास के द्वारा परमेश्वर की धार्मिकता प्रकट की गई है बिना किसी भेदभाव के। लोग भेदभाव कर सकते हैं, अमीरी गरीबी, काला गोरा, सुंदर बदसूरत, पढ़ा लिखा अनपढ़, परमेश्वर भेदभाव नहीं करता। सुनिएगा, मैंने ऐसे चर्चेस सुने हैं जहां पर जो ज्यादा पैसे देते हैं उनको आगे बिठाते हैं, आपने भी देखे होंगे। क्यों क्यों भेदभाव करना है? क्योंकि 23वीं आयत यूं कहती है कि सभी ने पाप किए हैं और सभी परमेश्वर की महिमा से रहित हैं, किंतु यीशु मसीह में संपन्न किए गए अनुग्रह के छुटकारे के द्वारा उसके अनुग्रह से एक सेतमेंट, एक फ्री के उपहार के रूप में धर्मी ठहराए गए हैं। परमेश्वर ने यीशु मसीह को
उसमें विश्वास के द्वारा पापों से छुटकारा दिलाने के लिए लोगों को दिया है। यह कि उसने यह काम यीशु मसीह के बलिदान के रूप में किया है, ऐसा यह प्रमाणित करने के लिए किया गया कि परमेश्वर सहनशील है, क्योंकि उसने पहले उन्हें उनके पापों का दंड दिए बिना छोड़ दिया। आज भी अपना न्याय दर्शाने के लिए वह न्यायपूर्ण है और न्यायकर्ता भी है उनको जो यीशु मसीह में विश्वास रखते हैं। तो घमंड करना कहाँ रहा? वह तो समाप्त हो गया। भला कैसे? क्या उस विधि से जिससे व्यवस्था जिन कर्मों की अपेक्षा करती है उन्हें किया जाता है? नहीं, बल्कि उस विधि से जिससे विश्वास समाया है, क्योंकि व्यक्ति व्यवस्था के कामों के अनुसार चलकर नहीं बल्कि विश्वास के द्वारा ही धर्मी बन सकता है। कई बार आज आपको मैं आपसे एक वजन आपके कंधों में से उठा देना चाहता हूं। मसीहत परफॉर्मेंस नहीं है। परफॉर्मेंस समझते हैं आप कि हर बार आप बल्ला लेकर फील्ड पर उतरेंगे, पिच के ऊपर उतरेंगे और आपने सेंचुरी मारनी। कौन सा खिलाड़ी ऐसा कर सकता है? मेरे सामने सबसे बढ़िया खिलाड़ी जो रहे हैं वो सचिन तेंदुलकर और वीरेंद्र सहवाग रहे हैं। वो भी ऐसा नहीं कर सकते। वो भी कभी कभी जीरो पर आउट हुए हैं। हमारे से जब हम विश्वास में आते हैं ना, तो एक बहुत ही बड़ा दबाव हमारे कंधे के ऊपर है कि हमें सब कुछ परफेक्ट करना है। हमें गलतियों की इजाजत नहीं है। जानबूझ के षड्यंत्र नहीं बोल रहा हूं, मैंने दो चीजें इसलिए आपको बता दी कि मेरे दिमाग में है कि मैंने किसी से बदला लेना है और अब मैं बदला लेने के लिए एक टीम बनाता हूं और टीम बना के उस आदमी के पीछे उसको छोड़ देता हूं। ये षड्यंत्र है। गलती में, गुस्से में आप बोल सकते हैं, हे ऐसा क्यों किया? फिर जब आपके दिमाग में आएगा, यार मैंने गुस्सा कर दिया, खुदावन मुझे माफ कर दीजिए, मैंने गुस्सा किया, और फिर जाके आप उस भाई से भी बोल सकते हैं कि मैंने आपके साथ थोड़ी बदतमीजी की, आप मुझे माफ कर दीजिएगा। माफी है, क्षमा है। एक्चुअली धर्म क्या बोलता है? जो झूठा धर्म होता है वो आपको ये बोलता है, तू परफेक्ट बनने के चक्कर में लोग अपने गुनाह छुपाने लगते हैं। और जैसे जैसे आप गुनाह छुपाते हो, आपने अपनी जेब में गोबर भरा हुआ है, बांस तो आएगी ना, मक्खियां भी बैठेंगी उसके ऊपर। मगर ये वचन यूं कहता है कि तुम्हारे करने से नहीं है, ये उसके सलीब पर बहाए गए लहू से और उस लहू पर तुम्हारे विश्वास के द्वारा तुम पवित्र किए गए हो। तुम पापी थे, मगर जैसे ही तुमने विश्वास किया तुम पवित्र हो गए, तुम पुत्र बन गए। क्या ये अच्छी बात नहीं है? परफॉर्मेंस का प्रेशर मेरे ऊपर नहीं है, मैं आजाद हूं। मैं अपने बच्चों को गलतियां करने देता हूं। मेरे घर में अलाउड है गलतियां करना। मालूम है क्यों? ताकि वो गलतियों से सीखें। नुकसान होता है, कप टूटते हैं, चीजें नुकसान होती हैं, वो नुकसान मैं भरता हूं। मालूम है क्यों? क्योंकि मैं अपने बच्चों को सिखाना चाहता हूं। परमेश्वर भी हमें सिखाना चाहता है। वो हमें गलतियों की अपॉर्चुनिटी देता है, मगर गलती आदत तब बन जाती है जब आप आदतन जानबूझ के गलती कर रहे हैं। सुनिएगा, किसी के पेट में दर्द था, पथरी थी, तो मैंने बोला कच्चे चावल मत खाया करो, मगर आदत है उनकी, जहां उनको चावल मिले वो मुंह में ढोल के। अब ये आदतन है, गलती नहीं है। जैसे ही जब जो सिगरेट पीता है ना, उसकी आदत होती है, आदत से मजबूर है वो भाई। वो जब तक वो खुशबू उसकी नाकों में नहीं जाती, वो सूंघता नहीं, उसका दिमाग घूमता रहता है, आदत है, गलती नहीं है उसकी। जो लोग शराब पीते हैं, जो लोग चिट्टा करके आते हैं, वो उनकी आदत बन जाती है, गलती नहीं है। गलती है कि गलती से आपने थोड़ा चावल पड़ा था आपने खा लिया, मगर जब आदत बन जाती है वो आपको परमेश्वर से दूर करती है। गलती गलती है, आप गलती मान के उससे
मुरझाइए, सॉरी मिस्टेक हो गई, ओके आई एम सॉरी, ये हो गया मुझसे, परमेश्वर मुझे अनुग्रह दे कि मैं ये गलती सुधार सकूं। सिंपल है, कितना कितना मुश्किल है, कितना मुश्किल है। मैं नहीं बोलता अपना तमाशा बना दो, अगर आपको आपकी गलती मालूम चल गई है तो बहाने के साथ उसे ढपो नहीं, बहाने के साथ उसे ढपो नहीं, एक्सेप्ट कर लो कि मैं गलत हूं। परमेश्वर के सामने जाइए, पिता ये गलती मुझसे हो गई, मेरे ऊपर कोई प्रेशर नहीं है क्योंकि तूने मेरे गलतियों का जो मैंने पास्ट में की थी, जो मैं आगे करने वाला हूं, वो सारा दाम चुका दिया है। मेरे ऊपर कोई जोर नहीं है, मैं छुड़ाया गया हूं। प्रभु यीशु मसीह को रैंसम बोलते हैं, रैंसम, रैंसम मतलब फिरौती। परमेश्वर ने यीशु मसीह को फिरौती की जगह हमारी जगह पर रख दिया और हमें निकाल लिया। एक आदमी के दो बेटे थे और एक को डाकू ले गए। डाकू पता है किसको ले जाते हैं? जो बेटा कहना नहीं मानता। आप बार बार अपने बच्चों को बोलोगे अनजान आदमियों से टॉफी नहीं लेना, मगर एक आदमी को टॉफी ज्यादा पसंद है एक बेटे को, तो शायद हम थे, हमने टॉफी ले ली और जैसे ही हमने टॉफी ली, टॉफी में नींद की दवाई थी और डाकू हमें ले गए। जो अब डाकू ने हमारे पिताजी को फोन किया जो आसमानी बाप है कि भैया तुम्हारा बेटा हमारे कब्जे में। अब आसमानी बाप क्या करे, कहता एक बेटा को देना है तो दूसरा बेटा देके जाओ। तो आसमानी बाप ने अपना बेटा भेज दिया ताकि वो हमारी जगह ले ले और हम छूट के बाहर आ जाए। ठीक है, अनुग्रह ये है, सिंपल, कि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, हमारे ऊपर प्रेशर नहीं है। ये झूठी स्पिरिट को ये बोलना बंद कर दो कि तुम्हारे ऊपर प्रेशर है। क्या तुम्हें लगता है, आपने धारीवाल में चिट्टे कपड़े पहने हुए लोग देखे, सेवादार, तो क्या ये सेवादार कभी गलती नहीं करते? हाँ, क्या मैं गलती करता हूं? हाँ, 10% लोग करता हूंगा, गारंटीड करता हूं। मैं क्यों बताऊं तुम्हें? बता देता हूं मैं वैसे कब कब करता हूं। क्या तुम गलती नहीं करते? सब करते हैं कभी ना कभी, अचानक से। अब जैसे फोन बजता है ना, मेरे दिमाग में आ रहा किसको याद आ रही है मेरी, कौन मुझे तरपा रहा है, तो एक थॉट आता है ऐसे ही। तो इसी तरीके से गलती, अब मुझे क्या पता कोई शायद बीमार हो, कोई शायद तकलीफ में हो। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें हैं। और हमारी डेली लाइफ में अगर हम अपने आत्मिक जीवन को सही करना चाहते तो सबसे पहले मेरे ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, आप समझ लीजिए, आई एम प्रेशर फ्री, प्रभु ने मेरा बोझ उठा लिया है, मैं फ्री हूं। मगर जानबूझ के कांड नहीं करना, बहनों को बोल रहा हूं, ये जो जानबूझ के वाला है ना, भाइयों का अलग है, जानबूझ के घर में झगड़ा नहीं पाना। जिस औरत को झगड़ा करना होता है ना, सोच लेती आज मैंने झगड़ा लेना ही लेना है, सवेरे से चल रहा होता, सारी बहनें हिंडी मुंडी हिला रही हैं, वो बेचारे तुम्हारी समझ नहीं आ रही, तुम तो घर जाके छुप जाते हो, वो सारे, अगर किसी ने सोच लिया मैंने झगड़ा लेना है तो सवेरे से उसकी स्कीम तैयार है। गरीब आदमी घर में घुसता है, उसको पता ही कुछ नहीं है झगड़ा क्यों हो रहा है। हमारा अलग है, हम कांड बाहर करके आते हैं। अगर हमें घर 10 बजे पहुंचना है तो हम ठीक 12:30 पहुंच जाते हैं, तो ये कांड है हमारे। अगर हमारे को पार्टी में सबको ले जा नहीं सकते तो हम अपनी पार्टी खुद ही कर लेते हैं, आज बहुत काम चल रहा है ऑफिस में, बहुत दूर, मतलब अरे हमारा बॉस एकदम पता नहीं निकम्मा आवारा है, उसका तो खुद परिवार नहीं है, हमारा भी परिवार नहीं है, 3 बजे तक बैठे हैं ऑफिस में, काम चल रहा है, कौन सा काम चल रहा है हमें बताओ।
तो ये हमारे वाले गुनाह हैं, तुम्हारे वाले गुनाह अलग हैं, हमारे गुनाह अलग हैं, मगर गुनाह तो गुनाह है। तो आइए हम इस प्रेशर से जो झूठा धर्म देता है उससे आज़ाद हो जाएं। हम गलती करते थे, शायद करेंगे भी, मगर जानबूझ के ना हो। और जब कभी भी गलती हो जाए तो वो अनुग्रहकारी परमेश्वर हमारे साथ है। वो हमें मारता नहीं है, हमें डांटता नहीं है, वो हमसे प्यार करता है। जितनी माताएं और पिता यहाँ बैठे हैं, एक बार आमीन बोलिए। क्या आपके बच्चों ने आपकी फेवरेट चीज़ें नहीं तोड़ी हैं? हाँ तोड़ी हैं तो आप गुस्सा हुए हुए कि नहीं हुए? मारा उनको? मारा कि नहीं मारा? घर से तो नहीं निकाल दिया? तो परमेश्वर भी ऐसा नहीं करेगा। हो सकता है गुस्सा हो सकता है, डांट सकता है, थोड़ा डिसिप्लिन भी कर सकता है, मगर घर से नहीं निकालेगा, क्योंकि उसने अपना इकलौता बेटा तुम्हारे को वापस लाने के लिए दिया है। भाई कीमती हो, हालेलुया। उस अनुग्रह के लिए शुक्रिया अदा करें। और जब हमें, मैं खास तौर पे तुम्हें अनुग्रह क्यों बता रहा हूं, क्योंकि अगर वो तुम्हारे साथ अनुग्रह के साथ पेश आता है तो तुम्हें भी दूसरे के साथ अनुग्रह दिखाना जरूरी है, क्योंकि ये हमारे परिवार की रीत है। कई शादियों में आप जाते हैं ना तो आपके सर के ऊपर वो बांध देते हैं। क्या एक शादी में मैं गया, जाते ही उन्होंने मेरे सर के ऊपर बांध दिया, कहता ये हमारे परिवार की रीत है, उतारना नहीं जब तक शादी ना हो जाए। मैं पूरी शादी में ऐसे उसके साथ रहा। तो ऐसे ही हमारे घर की एक रीत है, अनुग्रह फ्री में मिला है, सेंत में मिला है, जैसे वो हमारे साथ ट्रीट करता है वैसे हम दूसरों के साथ ट्रीट करें। आमेन, हालेलुया। कोई एक दूसरे को महान ना समझे, सब एक दूसरे को बराबर समझे। स्पिरिचुअली आगे पीछे होंगे, ठीक है, कोई हमसे आगे होगा कोई पीछे होगा, मगर सब भाई बहन हैं, एक घर के हैं, एक जगह के वारिस हैं, एक जगह पर जा रहे हैं, एक माता है, एक पिता है। हमसे आगे होंगे, हमसे बड़े होंगे, बड़े भाई को बड़े भाई का सम्मान दीजिए, छोटे को छोटे का प्यार दीजिए, ठीक है जी।